हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। बट बिफोर वी बिगिन टुडे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं गाइस। देखो, जो सोशल मीडिया होता है उसका हमेशा पॉजिटिव यूज हमें करना चाहिए, उसका नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिसपे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका आज की डेट में सिर्फ एक काम रह गया है, anujindal.in की नेगेटिव मार्केटिंग करना। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ गाइस कि आप लोग अगर इन ऐसे लोगों की बातों में आएंगे तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। आप में से किसी को भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। एंड वन थिंग मोर दैट सम स्टूडेंट्स के अंदर मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि वो लोग केवल फ्री मटीरियल के चक्कर में बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको मिलता कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जिन लोगों को पढ़ना है, दे आर बाइंग आर कोर्स, they are giving positive responses, we are clearing their doubts and everything is going on as usually जैसा चलता आ रहा था और in fact we are growing, okay? हमारी जो family है paid telegram group की वो increase होती चली जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। So अगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे free material का जो problem होता है वो ये होता है guys कि जो free material होता है, अगर कोई इंसान आपको free material दे रहा है तो कभी भी 100% complete नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको कहीं का भी पेड ग्रुप है, चाहे आप किसी का भी लें, हमारा लें या किसी और एजुकेशनल कंपनी का लें, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर वो पेड ग्रुप है तो उसको फ्री के फॉर्म में ना लें, बिकॉज वो कंप्लीट नहीं होगा एंड एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आपका नुकसान होना ही होना है। एंड ऐसे ट्रोल्स के बातों में बिल्कुल ना आए। आपको अगर कोर्स लेने का मन है तो हमारे ट्रायल कोर्सेज भी होते हैं, उसके अंदर ट्रायल क्लासेस भी होती हैं और आपको हमारे जो फैकल्टीज हैं यूट्यूब के ऊपर क्लासेस लेते दिखाई दे रहे हैं। तो इट इज क्लियर फॉर यू, आप इतने बड़े हो चुके हैं, आपके अंदर इतनी समझ है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि आपको किसका कोर्स खरीदना है, किसका कोर्स नहीं खरीदना है, कौन आपको अच्छा पढ़ा सकता है, कौन अच्छा नहीं पढ़ा सकता है। और ये ऐसे चैनल्स कह रहे हैं जो कि हर चीज में अपने आप को स्पेशलाइज्ड समझते हैं। आई मीन एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हर चीज पढ़ा रहा है, तो यू ऑल्सो नो कि ये वो हर कोई भी इंस्टीट्यूट हर एक चीज में स्पेशलाइज नहीं हो सकता, राइट? जैसे anujindal.in है, वी आर स्पेशलाइज्ड इन आरबीआई, ग्रेड बी, सेबी, नबार्ड एंड यूजीसी, राइट? सो मतलब ऐसा नहीं है कि हम एसएससी भी पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने को हम भी पढ़ा सकते हैं बट अब अगर हमारी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है तो वी आर नॉट जंपिंग इन टू इट। ओके, सो गाइज प्लीज ऐसे ट्रोल्स की बातों में ना आए और बस पढ़ने में ध्यान दें, फ्री मटेरियल के चक्कर में ना रहे, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, अल्टीमेटली आपका वहां पे टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। विद रिस्पेक्ट टू द WHO सिचुएशन रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज गुड परफॉर्मेंस। रिसेंटली WHO सिचुएशन रिपोर्ट आई है तो हमें बताना है कि उस रिपोर्ट के हिसाब से इसमें से क्या इंडिया की गुड परफॉर्मेंस का रीजन नहीं है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। So WHO has released this report जिसका नाम है Situation Report on COVID-19 which tells about the number of COVID-19 cases per million and the number of deaths due to COVID-19 per million population across the world. And this has been done to map the performance of different countries on containing COVID-19. Now if we talk about the cases per million population in India, so in the case of India it is very less at 505.37 while the global average is 1453. And Chile has the maximum number of cases per million, that is 15,459.8. It is the maximum number of cases across the world which has been registered in Chile. And if you talk about deaths per million population, so in India, deaths per million population is 14.27, which is very less than the global average of 68.29. And if you talk about the world, sabse zyada number of deaths per million population hai UK mein, that is 651.4. Okay, now you can see this graph. अगर हम cases per million population की बात करते हैं तो Chile is at the maximum level. And if you talk about deaths per million, then UK is at number one. Now guys, what are the reasons for India's good performance? ऐसी क्या कारण थे कि इंडिया ने काफी अच्छे तरीके से COVID-19 को contain किया है? So reason number one is that India has ramped up the hospital infrastructure. अगर हम दिल्ली जैसे शहरों की बात करें, मुंबई जैसे शहरों की बात करें, जहां पे कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स, काफी ज्यादा नंबर ऑफ बेड्स भी इंक्रीज किए हैं ताकि कोरोना वायरस को कंटेन किया जा सके। अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 केसेस हैव रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग डेली रिकवरीज। जल्दी डिटेक्ट करना एंड टाइमली क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कराना टू द COVID-19 पेशेंट, उससे यह होता है कि जो पेशेंट है
वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है। एनहांस्ड फोकस ऑन टेस्ट ट्रेस ट्रीट, दिस हैज फर्दर ऑगमेंटेड विद वेरियस मेजर्स द वाइड स्प्रेड कंटेनमेंट ऑफ COVID-19। और जो टेस्ट ट्रेस और ट्रीट वाली जो पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, उसने काफी ज्यादा हेल्प करी है इन द वाइड स्प्रेड कंटेनमेंट ऑफ COVID-19। और जो टेस्टिंग लैब का नेटवर्क है इंडिया में, वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है विद 793 लैब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड 322 प्राइवेट लैब्स। देर आर एज मेनी एज मोर देन 1100 लैब्स इन आर कंट्री जो कि टेस्टिंग करने का काम कर रही है। और अगर हम दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो मोर देन 20,000 टेस्ट आर गोइंग ऑन डेली। ओके, सो जिससे हमारा जो टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट वाला जो पॉलिसी है वो काफी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इन द स्टेट्स लाइक दिल्ली। ओके, सो दीज आर सम रीजंस फॉर इंडियाज परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस। सो ऑप्शन ए इज इंडिया हैज रैम्प्ड अप द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस दिस इज वन ऑफ द रीजन। अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट, यस। एनहांस्ड फोकस ऑन टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्टिंग लैब्स, यस ऑल दीज आर द रीजंस। प्रोडक्शन ऑफ फेबीफ्लू मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड कोविड पेशेंट्स, नो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर इंडियाज गुड परफॉर्मेंस। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई। हम ये कह सकते हैं दैट ओवरऑल फेबीफ्लू मेडिसिन के आने के बाद जो ट्रीटमेंट है ऑब्वियसली उसके अंदर इंक्रीमेंट आएगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, which is about an MOU that has been signed between National Medicinal Plant Board and National Bureau of Plant Genetic Resource. So, हमें ये बताना है कि for what purpose this MOU has been signed? किस purpose के लिए इस MOU को sign किया गया था? Okay? So, let us discuss about this, guys. So, there is an MOU that has been signed between National Medicinal Plants Board and ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, to conserve the medicinal and aromatic plants genetic resources. जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया है। एंड फॉर दिस बोथ एनएमपीबी एंड आईसीआर एनपीजीबीआर एनबीपीजीआर आर कमिटेड टू सर्व द नेशनल इंटरेस्ट थ्रू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मतलब होता है गाइस द हेरिडिटरी मटीरियल, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल्स। राइट, तो जो जर्म प्लाज्म है यानी कि जो सेल्स के जेनेटिक मटीरियल है उसको कंजर्वेशन का काम कंजर्व करने का काम किया जाएगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस विच विल बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस टू एंश्योर द सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एंड दीज ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द ICAR वुड डेवलप डिटेल्ड मोडालिटीज फॉर सीड स्टोरेज ऑफ मैपजीआर। मैपजीआर का मतलब मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज, एंड सबमिट पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली NMPB और NBPGR को ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज ताकि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे। नाउ गाइस व्हाट इज द नीड फॉर दिस कंजर्वेशन, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स को कंजर्व करना पड़ा? सो गाइस नंबर वन रीजन इज दैट द मेडिसिनल प्लांट्स आर पोटेंशियल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। Over 1 million practitioners in Indian medical systems use medicinal plants in preventive and curative application. 1 million से भी ज्यादा practitioners इंडिया में ऐसे हैं जो कि use कर रहे हैं medicinal plants को in preventive and curative applications. Several medicinal plants have been assessed as endangered और कुछ extinct भी हो चुके हैं. And there is an increased demand of medicinal aromatic plants in the world. Okay, so therefore these are some needs of conservation for medicinal and aromatic plants. Now let's talk about NMPB, which is National Medicinal Plant Board. It was established on 24th November 2000, and the primary mandate of this organization is to develop an appropriate mechanism for coordination between various ministries, departments, and organizations in India, and implement programs for medicinal plants sector both at central, state, and international level. Basically, इसका काम यह है कि जो भी programs are related to medicinal plant sector उसको इंप्लीमेंट कराना है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट NBPGR। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एक्ट एज द नोडल इंस्टीट्यूट एट नेशनल लेवल फॉर एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड जीनोमिक्स बेस्ड प्रोफाइलिंग ऑफ इंडिजीनस एंड एक्सोटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी एक्सोटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके जीनोमिक्स बेस्ड प्रोफाइलिंग के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, so now guys let's move on to the question. Question is,
for what purpose this MOU has been signed. So guys, this purpose has been signed to conserve the medicinal and aromatic plants genetic resources. मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए इस एमओयू को साइन किया गया था बिटवीन एनएमपीबी एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विल बी फॉलोड इन द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट. सो देयर इज न्यू प्रोजेक्ट विच इज नोन एज सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट. तो हमें बताना है कि इस प्रोजेक्ट में पीपीपी के कौन से मॉडल को फॉलो किया जाएगा. Okay, so now let us discuss this. So recently, World Bank has given $400 million loan for rejuvenation of Ganga, and this project is also known as what? The second National Ganga River Basin Project. This project will help to decrease population in the river Ganga and strengthen the management of the river basin. जो pollution है उसको कम करा जाएगा और जो भी management है river basin का उसको strengthen किया जाएगा. This project will help expanding the coverage of sewage treatment infrastructure to more towns in the Ganga basin. जो भी sewage treatment infrastructure है उसको expand किया जाएगा, उसकी coverage को expand किया जाएगा in the urban towns, जो भी Ganga basins के पास पास है, and focus on making sure that these assets are operated and maintained efficiently in the long term. This will finance sewage networks and treatment plants in select urban areas to help control pollution discharges. And these infrastructure investments and the jobs they will generate, क्योंकि guys infrastructure में invest होगा तो obviously there will be creation of jobs. So the jobs that they will generate will also help India's economic recovery from the coronavirus crisis. Okay, so these are some objectives of this project, the second National Ganga River Basin project, which is funded by the World Bank with a $400 million loan. Now what will be the model that will be followed under this project? So under this project, hybrid annuity model of public-private partnership will be followed, and under this, the government will pay a private operator 40% of the capital cost to build a sewage treatment plant during the construction period. Construction period में 40% cost उसको दे दी जाएगी private player को, और जो बाकी 60% है, that will be paid as performance linked payments over 15 years. अगले 15 सालों तक उसको performance के हिसाब से उसकी जो बाकी बची हुई 60% है वो पे की जाएगी, ताकि जो ऑपरेटर है वो प्लांट को एफिशिएंटली रन करे. क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो ये ऑपरेटर्स होते हैं ये पैसा मिल जाने के बाद एफिशिएंटली वर्क नहीं करते. सो उनकी एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ये जो 60% है इनको 15 साल के पीरियड में पे बैक करेगी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लोन कॉम्पोनेंट, सो दिस $400 million लोन कॉम्पोनेंट लोन कंप्राइजेज अ लोन ऑफ $381 million and a proposed guarantee of up to $19 million. This loan amount, that is $381 million, has a maturity period of 18.5 years with a grace period of 5 years, and this $19 million guarantee expiry date will be 18 years from the guarantee effectiveness date. So this is about the loan components, and this is all about the World Bank loan for rejuvenation of Ganga. Now guys, let's move on to the question. So question was, which model of PPP will be followed in the second National Ganga River Basin project? So the project, so the model is what? Option D, hybrid annuity model. Hybrid annuity model will be followed in the second National Ganga River Basin project. Now let's move on to question number 4. So the Ministry of Commerce and Industry, which is headed by Mr. Piyush Goyal, is considering replacing the multimodal transportation of goods, which in short is also known as MMTG Act of 1993, with the National Logistics Efficiency and Advanced Predictability and Safety Act. So ये नया act आ रहा है जो कि MMTG Act को, जो कि 1993 में आया था, उसको replace करेगा. So we have to tell that which of the following is are the correct statement with respect to the aim of new law. जो ये नया law बन रहा है, इसके जो भी aim है, उसके respect में हमें correct statement बतानी है out of these three statements. So now let us discuss about the new National Logistics Law. So this law, ये जो लॉ है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लेके आ रही है, बिकॉज दिस लॉ टेंड्स टू डिफाइन वेरियस पार्टिसिपेंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर्स एंड क्रिएट अ लाइट रेगुलेटरी इकोसिस्टम. एक नया और एक अच्छा और एक लाइट रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट. एंड ऑल्सो देर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर इन द MMTG एक्ट. जो पुराना वाला MMTG एक्ट है उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर की क्लियर डेफिनेशन डिफाइन नहीं है. नाउ व्हाट आर द एम्स बिहाइंड लॉन्चिंग दिस न्यू एक्ट. सो दिस new law aims to streamline the logistics ecosystem in the country
It will modernize and formalize the logistics services, and also it will promote digitization in the sector, and it will also reduce the logistic cost from the present 14% of the GDP to less than 10% of the GDP. So these are some basic aims behind replacing the old law. Now, what will be the benefit? So there will be effective implementation of the act, and this effective implementation would help provide an impetus to trade ko badhava milega. It will enhance export competitiveness and improve India's ranking in the logistic performance index and the ease of doing business index. All right, so these are some benefits of replacing the old law with the new law. Now let's talk about MMTG Act. So this act provides for regulation of multimodal transportation of goods from any place in India to any place outside India. भारत में कहीं से भी किसी दूसरे देश में कहीं पे भी अगर मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है तो उसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू द एमएमटीजी एक्ट. एंड गाइस, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ मूवमेंट, यानी कि रेल, रोड और सी. अगर एक, दो या दो से ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हुआ है देन दैट इज नोन एज मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन. एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्टर्स and give them a sense of security in transporting their goods. Okay, so this was about the MMTG Act that was jo ki 1993 mein aaya tha. Now let's move on to the question. So the question was, which of the following is the correct statement with respect to the aim of new law? So statement number one is, it aims to streamline the logistic ecosystem in the country. Yes. Number two, modernize and formalize the logistic services. Yes, this is also correct. And reduce the logistic cost. Yes guys, this is also correct. So therefore the correct answer will be what? Option C. All 1, 2 and 3 are correct. Alright, all 1, 2 and 3 will be the correct answer. Now let's move on to question number 5, which is the last question for today. With respect to the parameters for assessment of highways by National Highway Authority of India, which of the following are the criteria for assessment? So recently jo National Highway Authority of India hai, usne highways ki assessment start kari hai. So, हमें ये बताना है कि जो पैरामीटर्स हैं फॉर द असेसमेंट उसके रिस्पेक्ट में जो क्राइटेरिया फॉलो किया गया है, कौन कौन से क्राइटेरिया, इनमें से कौन से क्राइटेरिया करेक्ट है. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो रिसेंटली नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रैंकिंग ऑफ द हाईवेज इन द कंट्री, एंड दिस हैज बीन डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स इन द कंट्री. एंड इफ यू टॉक अबाउट द पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट, so the criteria for the assessment have been classified into three main heads, that is highway efficiency 45%, highway safety 35%, and user services 20%. And additionally there are some other parameters like operating speed, time taken at toll plaza, illumination, accident rate, availability of advanced traffic management system and others. And so these also are some parameters that will be considered while conducting the assessment. Now, what is the significance of this assessment, guys? So, the score obtained by each corridor in each of the parameters will provide feedback and corrective recourse for higher standards of operation, better safety and user experience to improve existing highway. जो भी parameters की मदद से जो भी score आएंगे highways के, उसकी मदद से जो highways है उनको improve किया जाएगा. It will also help in identifying and filling gaps of design, standards, practices, guidelines and contract agreements for other projects. The ranking of BOT, HAM and EPC. BOT का मतलब build, operate, transport, build, operate, transfer. HAM मतलब hybrid annuity model and EPC means engineering, procurement, construction. So these are the models of public-private partnership. So the ranking for these three projects is expected to bring out operational efficiency, ensure high quality maintenance of roads, and on the basis of outcomes of the assessment, the authority will undertake a comprehensive analysis and decide on the level of intervention required. जो भी assessment आएगा उसके हिसाब से authority will decide कि कितना intervention हमें करना है, कितना improve करना है हमारे highways को. Okay? So this is the significance. Now let's talk about National Highway Authority of India. It was established by National Highway Authority Act of 1988, and it is under the administrative control of Ministry of Road Transport and Highway headed by Nitin Gadkari, Lok Sabha constituency Nagpur, and it has been entrusted with the National Highway Development Project along with other minor projects for development, maintenance and management. And guys, remember one thing, jo border ki highways hote hain wo kaun banata hai? Border Road Organization, that is constructed with the help of Border Road Organization. All right, so this is about the assessment of National Highway Authority of India.
So now let's talk about the question. So the question is, with respect to the parameters for assessment of highways by National Highway Authority of India, which of the following are the criteria? So highway building speed is not the criteria, highway efficiency is there, safety is there, and user services is there. So therefore, guys, the correct answer will be what? Only 2, 3, and 4. Option B, only 2, 3, and 4 will be the correct answer. Okay, guys, so that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Aapke session kaisa laga? Comment karke zarur bataye. Goodbye, take care, and God bless.